अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ इंदौर की कोर्ट में 10 लाख रुपए का चेक बाउंस का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने प्रारंभिक सबूतों के आधार पर अमीषा पटेल के खिलाफ नोटिस जारी कर 27 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए। अमीषा पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर की एक युवती से फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे और फिर जो चेक दिया तो वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद कई बार चक्कर काटने के बाद भी पटेल ने पैसे नहीं दिए, जिस पर अब उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का आरोप लगा गया। उनके खिलाफ रांची की कोर्ट में भी 3 करोड़ रुपए के चेक बाउंस का मामला विचाराधीन है, जिसमें उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो चुका है। इंदौर के जिला कोर्ट में दर्ज परिवाद को लेकर एडवोकेट नीतीश कुमार ने बताया कि शहर के पिंक सिटी में रहने वाली निशा छिपा का अमीषा पटेल से परिचय था। फिल्म प्रोडक्शन को लेकर अमीषा ने निशा से 10 लाख रुपए लिए थे और इसके एवज में 24 अप्रैल 2019 का चेक भी दिया था। तय तारीख के बाद निशा ने यह चेक अपने इंदौर स्थित बैंक में पेश किया तो यह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद अमीषा से संपर्क कर पैसे की मांग की गई, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। वकील के माध्यम से नोटिस भी भेजा लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया। बाद में परिवाद दायर किया गया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंड अधिकारी मनीष भट्ट ने परिवाद पर सुनवाई के बाद 27 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए गए। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के द्वारा निशा छिपा से 10 लाख रुपए प्राप्त किए थे तथा उसके संबंध में निशा छिपा को अमीषा पटेल के द्वारा एक चेक प्रदान किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ये चेक इस तारीख पर प्रस्तुत करने पर आपको चेक का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। परंतु चेक निशा छिपा के द्वारा चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया, जिसके संबंध में हमारे द्वारा एक सूचना पत्र अमीषा पटेल को प्रेषित किया गया था जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया। उसके पश्चात हमारे द्वारा अमीषा पटेल के विरुद्ध एक निजी परिवाद श्रीमान मनीष भट्ट साहब प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पर मनीष भट्ट साहब ने प्रकरण को उचित पाते हुए प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए निशा छिपा के अमीषा पटेल के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया है। अगली तारीख पे नहीं आने पर अमीषा पटेल के विरुद्ध वारंट जारी होगा। क्या तारीख दी गई है सर? 27 जनवरी को उपस्थित होना। मेरा नाम नितेश परमार है। हमारे साथी दुर्गेश शर्मा जी, मनीष पालीवाल, रितेश यादव और सचिन नागर जी।